वाराणसी लोकसभा 77 से राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ केसरी ने प्रेस वार्ता की। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। हाँ सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पारसनाथ केसरी, मेरी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। ये पार्टी ही नहीं, एक मिशन है। ये मिशन पे हमने निकली है, मिशन पे काम कर रही है। हमारी यह जनता के साथ है। जनता के सामने कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा लीडर अपने को जो भी कहता है, जनता के सामने कोई टिक नहीं पाता। ये होती है मिशन, और राष्ट्रीय समाजवादी अपने मिशन पर निकली। आपके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक दो बड़ी पार्टी है वाराणसी से, कैसे आप उनसे टक्कर लेंगे? हमारे लोगों की पूरी सर्वे चल रही, सब कुछ हम सब जगह जा रहे हैं। पूरे हमारे यहाँ जो 18.5 लाख वोट हैं, जिसमें कि 60-65% वोट ही सिर्फ वोट है। 60-65% वोट में जो है 8 लाख प्लस वोट जो है हमारे को आ रहा है। बाकी जो है जो वोट की जो शेयरिंग है, ये लोग अपने आपस में कर लेंगे। इनकी कितनी इन लोगों का आपस में मिल सकती, चाहे भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये लोग आपस में लोग तय कर ले कितना लोगों को मिल सकता है। मोदी जी हैं, मोदी कर रहे हैं। मोदी जी इस बार कहीं से टिक नहीं पाएंगे। मोदी जी को यहाँ की जनता ने उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, क्योंकि वो त्रस्त है। चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशे वर्ग हो, बेरोजगारी हो, सारे लोग त्रस्त हैं इनसे। कोई इनसे सुखी नहीं है। सिर्फ रोड बनाने से, कुछ बिल्डिंगें बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से उनकी पेट नहीं भरती। उनको चाहिए रोजगार, वो बेरोजगार है। रोजगार है ही नहीं तो इनको जो कहाँ से मिले। व्यापारी वर्ग अपने आप में ही बहुत बड़ा त्रस्त है। इनको दे वन नेशन वन टैक्स, लेकिन यहाँ पे वन नेशन टू टैक्स यूपी में ही लागू कर। हमने जो हम लोगों ने जो व्यापारियों ने मिलकर के जो है यूपी गवर्नमेंट को भी हमने कहा कि यहाँ पे जो है मंडी टैक्स जो आपने लगा रखा है, टैक्स आप लगाइए, 5 नहीं 7 कर दीजिए। 2-2% ही बढ़ाते हैं, किसी में 1.5 है 2 है 2.5 है, तो आप एवरेज में 2% कर लीजिए। 5 का 7 8 का 10 12 का 14 18 का 20 28 का 30 कर लीजिए। आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़ा सकते हैं टैक्स, टैक्स बढ़ाने में कोई दिक्कत, लेकिन जो है डिपार्टमेंट में बांटिए। भ्रष्टाचार का एक जड़ हो गया है। आप GST को देख लीजिए, 2017-18 तक केस का, पहले इन्होंने बोला था कि GST आने के बाद कोई केस नहीं होगा, जो भी होगा सब ऑनलाइन होगा, अपने करिए काम खत्म। आज इन्होंने क्या है कि अपने यहाँ GST वाले ने, GST अधिकारी सारे व्यापारियों, देश के करोड़ों व्यापारियों को अपने यहाँ बुलाते हैं, करते हैं, इसका टैक्स नहीं जमा है, टैक्स इसका आप टैक्स जमा करिए। वो तो जो फिर आपने GST में लागू ही कर दिया भाई, आपने टैक्स लेकर के ही आप मान लोगों को मिलता है। आगे जो भी टैक्स बनेगा वो डिफरेंस टैक्स बनता है। सपोज करिए आपने 100 रुपये KG का माल परचेज किया, 5% टैक्स है, 105 बना। तो आज आगे आप जो मान लीजिए 106 बेचते हैं, तो 1 रुपये भी जो डिफरेंस टैक्स इनका बनता है, 5 पैसे जमा हो जाता है टैक्स। लेकिन इन्होंने कहा कि जो 17-18 में कहीं से आपने माल परचेज किया कोविड के पहले, वो कोई मर गया, कोई फर्म बंद हो, 5 साल तक कोई एक सी स्थिति रही, ऐसी संभव नहीं है। कोई अच्छा हो जाता है, कोई ख़राब हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है, ऐसा स्थिति सभी लोगों के साथ हो सकती है। हम आज हैं, 5 साल बाद हम जिंदा रहें ना रहें, इसकी गारंटी नहीं है। तो उसी तरीके से जो ये टैक्स इन्होंने GST डिपार्टमेंट ने व्यापारियों के ऊपर लगा के भेजा है, तो इनको चाहिए गवर्नमेंट को पहले तो एक रेजुलेशन पास करें, इसको तुरंत ख़त्म करें। और ख़त्म करने के बाद जितनी टैक्स ये हमारे अधिकारी लगाए हैं व्यापारियों के ऊपर, कहते हैं टैक्स आप जमा करिए, किसी के ऊपर 1000, किसी पर लाख, किसी पर करोड़ों का टैक्स भेजा है, सारे उनकी भरपाई भी होनी है। गवर्नमेंट को बोले कि इतना पैसा आपको टैक्स मिलेगा, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी सैलरी, इनके जो भी इनकी बचत है उससे वसूल करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का पूरा हो। मोदी जी ने कहा है अपने भाषण में कि अगर कोई और पार्टियां आती हैं तो महिलाओं का मंगलसूत्र छिन जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं का मंगलसूत्र क्यों छीनेगा, कहे छीनेगा, अपना मंगलसूत्र बचाइए। इन्होंने इनको ये सोचना चाहिए कि मंगलसूत्र क्यों छीनेगा। आज हमारे दोस्तों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं, और सारे साथ पड़े हैं, और सब लोग हम लोग देखते हैं, सारे लोग साथ खाते हैं, पीते, आते जाते करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंगलसूत्र कोई क्यों छीनेगा, क्या करेगा, क्यों छीन लेगा कोई? इनके पास जो जब